का सीरियल अनुपमा छोड़ रूपाली गांगुली हो चुकी है बीजेपी में शामिल। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टीवी की पॉपुलर शो अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के बीजेपी में शामिल होने से सभी को बड़ा झटका लग गया है। सोशल मीडिया पर इस पर मीम्स रिएक्शन आ रहे हैं। अब रूपाली के राजनीति में शामिल होने से सबके मन में यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो शो अनुपमा छोड़ देगी या दोनों प्रोफेशनलिज्म को वो साथ में हैंडल करेगी। तो अब इस पर नया अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर फैंस खुश हो जाएंगे। जी हाँ, फिल्म बीट की रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा शो रूपाली के लिए एक बच्चे की तरह है और वो कभी भी शो को नहीं छोड़ेगी। वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी शो का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से मैनेज की है और ये उनके क्राउन में एक और पंख लगा देगा। वही शो के प्रोड्यूसर राजन साही ने ई टाइम से बात करते हुए कहा, मुझे रूपाली पर बहुत गर्व है, वो बहुत हार्डवर्किंग है, उनके जैसे इंसानों को राजनीति में जाना जरूर चाहिए, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा करेगी। स्मृति ईरानी जी पर हमने गर्व किया है, रूपाली को उनके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रूपाली अपने काम को लेकर बहुत कमिटमेंट रहती है, बाकी उन्हें सपोर्ट करने के लिए हम पूरी तरह तैयार है। रूपाली ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, मैं पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बीजेपी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इसलिए मैं बीजेपी से जुड़ गई, मैं पार्टी का शुक्रिया करती। रूपाली गांगुली के पार्टी में शामिल होते ही लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए हैं। एक्स हैंडल पर एक यूजर ने लिखा है, अगली स्मृति ईरानी यही होंगी। एक ने लिखा, अब अनुपमा यहाँ भी ड्रामा करेंगी, करियर खत्म। एक यूजर ने लिखा, हेमा मालिनी की फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही कुछ ने तारीफ की और कुछ ने एक्ट्रेस के इस फैसले से नाराजगी भी जताई। खैर, बहरहाल आपको बता दें कि अनुपमा का जो टीवी इंडस्ट्री का सीरियल का जो करियर है वो काफ़ी ही अच्छा है, चल रहा है। अब पॉलिटिक्स में आने के बाद वो किस तरह परफॉर्म करती है, क्या अनुपमा अपने माँ का वो जो प्यार है वो देशवासियों के लिए भी समर्पित करती है, देशवासियों के लिए भी दिखाती है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।